हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आपके ICICI बैंक में कोई भी RD चल रहा है। RD मतलब होता है जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है। RD चल रहा है और फिर आपको उसका प्री मैच्योरिटी चाहिए, आपको टाइम से पहले उसको मैच्योर करना है, तो फिर तो आप इसको आई मोबाइल ऐप से कैसे कर सकते हैं। पहले मैं बता देती हूँ रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है। आपके एक जो डिपॉजिट होता है, आपका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। जो भी बैंक में आपके अकाउंट होता है, आप इसको वहाँ खोल सकते हैं। सारे बैंक के अलग अलग ऑफर्स रहता है। एक डेट पे, फिक्स डेट पे, जो डेट आप सिलेक्ट करोगे तो फिर उस डेट पे आपके अकाउंट से पैसे कट जाएगा। आपको टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ खुद से सेट करना होता है। महीने के महीने, मान लिए 2,000, 5,000, 10,000, जो भी आपका प्रीफर्ड अमाउंट, आप काट सकते हैं अपने अकाउंट से। और जितना भी टाइम पीरियड सिलेक्ट करोगे, उतने टाइम के टाइम पे उसके इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा पूरा पैसे आपका। वो अगर खुद से मैच्योरिटी होता है, मैं ऐसे ऐसे बैंक की बात कर रही हूँ, अगर वो जितने दिन के लिए है, मतलब 15 मंथ के लिए है, 1 ईयर के लिए है, तो अपने आप वो क्लोज हो जाता है और अकाउंट में पैसे आ जाता है। अगर आपका वो आपको पहले उसे पैसे चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो भी आप उसको प्री क्लोज कर सकते हो मैच्योरिटी से पहले। तो फिर वो कैसे करेंगे, हम लोग वही देखेंगे। जैसे आप होम पेज पे आ चुके हैं आई मोबाइल ऐप पे लॉगिन करके, तो फिर यहाँ इन्वेस्ट एंड इंश्योर के अंदर आपको मिल जाएगा इंस्टेंट फिक्स डिपॉजिट। यहाँ जो माई डिपॉजिट्स पहला वाला ऑप्शन है, अगर आपका कोई RD चल रहा है तो फिर यहाँ पर आपके डिपॉजिट शो करेगा। जैसे मेरा भी एक RD चल रहा है तो यहाँ शो कर रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ देखिए आ गया, यहाँ डिटेल्स आ जाएगा, मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी टाइम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ क्लोज RD का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी ये RD, जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगेगा वो देने के बाद आपकी ये RD क्लोज हो सकता है, क्लोज हो जाएगा। अगर आपको क्लोज करना है तो फिर आप इस प्रोसेस से जा सकते हैं। अगर किसी कभी आपको पैसे की इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाएगा तो फिर आपको कुछ नहीं करना होगा, बैंक भी जाना नहीं पड़ता होगा। यहीं से आप ये RD को क्लोज करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। लेकिन उसका जो भी काटना पीटना कुछ होगा या कैसे कुछ होगा, वो सब अमाउंट के बारे में मैं एक्चुअली श्योर नहीं हूँ। आप कस्टमर केयर से उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं उसके बारे में, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। बस ये प्रोसेस है आप कैसे RD क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको पहले करना है तो फिर आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। कितने टाइम तक, वो डिपेंड करता है आपकी उस पर, कितने टाइम तक आपका डिपॉजिट हुआ है, कितना पैसा कटेगा, टोटली उसके ऊपर ही ये डिपेंड करेगा। तो फिर ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो टेक दीप्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही।